श्रीराम की नगरी को जिस प्रकार से सजाया गया था वो सब धुलता नजर आ रहा है कुछ घंटों की बारिश में अयोध्या के मोहल्लों में चार फुट तक पानी जमा हो गया और वहां के लोगों को नजारे डराने लगे अयोध्या के विकास का बीजेपी का दावा अधूरा रह गया जैसे जैसे मानसून दस्तक दे रहा है वैसे वैसे अयोध्या के विकास के दावे पर सवाल खड़े होते जा रहे अयोध्या में बीते दिन हुई बारिश के बाद राजपथ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जाने वाला रास्ता जलमग्न हो गया तो वहीं आसपास के इलाके भी जलमग्न हो गए अब इसको लेकर लोग परेशान हो रहे हैं और वो अयोध्या के विकास मॉडल पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं नमस्कार मैं हूँ शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी जे मीडिया की खास पेशकश श्री राम जन्मभूमि और मंदिर को जाने वाले जन्मभूमि पथ पर लगभग दो फीट तक पानी भर गया है यही नहीं नाली का गंदा पानी बारिश के साथ सड़कों पर बहने से अयोध्या वासियों और राम भक्तों को काफी परेशानी दे रहा है वहीं श्री राम मंदिर से सटे श्री राम अस्पताल में भी पानी भर गया है अस्पताल में पानी भरने से बुरा हाल है अयोध्या में हो रही बारिश के कारण जलवानपुरा समेत श्री राम मंदिर के आसपास बसी में जलभराव हो गया है अयोध्या की इस तरह की व्यवस्था को देखकर वहां के लोग भी अयोध्या प्रशासन पर भड़के हुए स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां के जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी कोई देखने तक नहीं पहुंचा। तो वहीं आने वाले श्रद्धालु भी अयोध्या के विकास में इस क्षेत्र को देखने के बाद विकास के कार्यो पर आपत्ति जता रहे उनका कहना है कि ये कैसा विकास जब यहाँ के लोग ही पानी में रह रहे हैं यानी कि ये कहा जाए कि रामनगरी भारी बारिश में दलदल से जूझ रही हजारों करोड़ों की योजनाएं तो चल रही है लेकिन सीजन की पहली बारिश ने ही पोल खोल कर रख दी और अयोध्या में ऐसी स्थिति का जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन है अयोध्या की सारी सड़कें टूट गई हैं नालियाँ जाम हो गई सारे नाले चौक हो गए हैं लेकिन विधायक सांसद सबके सब अपने आप में मगन है। राम मंदिर के दर्शन मार्ग के पास भी पानी भर गया जिसकी वजह से लोगों को मंदिर तक जाने में भी दिक्कत हुई बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च करके अयोध्या को सजाया सवारा गया था आप खुद लागत देखिए रामपथ बनाने में तकरीबन दो सौ नवासी करोड़ रुपए भक्ति पथ बनाने में बावन करोड़ चालीस लाख रुपए, वहीं राम जन्मभूमि पथ बनाने में तकरीबन पचासी करोड़ सताइस लाख रुपए की रकम खर्च की गई सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं से अयोध्या में विकास कार्य किया गया बावजूद इसके पहली बारिश में ही अयोध्या डूब गई बता दें कि इससे पहले भी अयोध्या में राम मंदिर की छत से बारिश का पानी टपकने की बात सामने आई थी और ये बात खुद राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कही थी उन्होंने मंदिर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि मंदिर परिसर से बारिश के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी उन्होंने ये भी कहा था कि यह खुशी की बात है कि मूर्तियों की स्थापना 2025 तक हो जाएगी जो मंदिर बन गए हैं और जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ पहले ही बारिश में पानी टपकने लगा मंदिर के अंदर भी बरसात का पानी भर गया था ऐसे में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि बने मंदिरों से क्यों पानी टपक रहा है इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सरकार पर ही सवाल उठा दिया उन्होंने लिखा कि राम मंदिर टपकने लगा अयोध्या में रामपथ धस गया कल ग्वालियर एयरपोर्ट पर शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत और आज देश की राजधानी दिल्ली में भी टीवन टर्मिनल का हिस्सा गिर गया देश में हो रहे सभी निर्माणों में गुणवत्ता के साथ भयंकर धोखा और भ्रष्टाचार प्रमाण सहित दिखने लगा है क्या इन सब निर्माणों में भी गुजरात के ही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे अरबों रुपए के क्वालिटेटिव भ्रष्टाचार की जांच के साथ साथ अब ये जानना भी जरूरी है खैर उनकी बात भी सही है क्योंकि आज अयोध्या नगरी जिस हाल में है वो जिस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया इस पर जांच होना तो बनता है सिर्फ अयोध्या ही नहीं देश में और भी कई चीजें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल एक का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री ने किया था आज गिर बिखर गया इसमें एक कार ड्राइवर की भी दबकर मौत हो गई हजारों करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी जबलपुर एयरपोर्ट 740 करोड़ की लागत से बना था और मोदी जी ने मार्च में ही इसका उद्घाटन भी किया था ध्वस्त हो गया अयोध्या आंसू बहा रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं इस मामले पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है जिससे अब पर्दा उठ चुका है सवाल यह है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इस घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे इसके अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि क्या हाल हो चुका है देश का कभी पेपर लीक कभी अयोध्या में राम मंदिर लीक कभी रेल दुर्घटना कभी जबलपुर एयरपोर्ट की छतगिरी और आज दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल एक की ये कैसा विकास जो विनाश बनकर उभर रहा है आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान देश भर में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था हालांकि जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए तो इसने सबको हैरान कर दिया अयोध्या सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को चौबन वोटों के अंतर से हरा दिया इस हार के बाद बीजेपी के लोगों का एक अलग ही चरित्र सामने आया और उन्होंने अयोध्या के लोगों का बाइकॉट करना शुरू कर दिया इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई गई किसी ने कहा कि अयोध्या जाइए तो खाना और प्रसाद ले जाइए तो किसी ने कहा कि वहाँ के पंडितों को दान न दीजिए यानी हार के बाद बीजेपी में बौखलाहट साफ साफ दिखाई दी लेकिन जिस अयोध्या के विकास का दावा बीजेपी करती आज पहली बारिश ने उसकी पोल खोल दी पीएम मोदी के सारे वादे खोखले पड़ गए और अयोध्या ने उनके गारंटी की पोल खोल दी अयोध्या में इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई आज अयोध्या के सच ने यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगने वालों में से हैं राम के नाम पर काम करने वालों में से नहीं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टी मीडिया